एक तरफ नई संसद का हुआ उद्घाटन, दूसरी तरफ पहलवान हिरासत में लिए गए। एक तरफ होता रहा पीएम मोदी का जयकार, दूसरी ओर विपक्ष कैसे भड़कता रहा। 28 मई की तारीख दो खास बातों के लिए बेहद चर्चाओं में रही। पहली बात देश की नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर और दूसरी बात दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महीने से ज्यादा वक्त से धरने पर बैठे पहलवानों के नई संसद की ओर मार्च करने की वजह से। इन दोनों ही मुद्दों पर विपक्षी दलों के नेताओं को मुखर देखा गया। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, लगभग उसी समय धरने पर बैठी महिला पहलवानों और उनके समर्थकों ने पहले से तय योजना के तहत नई संसद की ओर पैदल मार्च करना शुरू कर दिया था। पुलिस ने उन्हें रोकने का इंतजाम पहले से ही कर रखा था, लिहाजा जैसे ही उन्होंने बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की, उनका सामना दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों से हुआ। लिहाजा आगे बढ़ते रहने की जिद लिए नाराज पहलवानों को जबरन रोकने की कोशिश की गई और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। इस पर पहले से तपे बैठे विपक्षी दलों ने पहलवानों के साथ हुए ऐसे सलूक और पुलिस के संघर्ष करती उनकी तस्वीरों को पोस्ट कर मोदी सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। इनमें आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही। आप सांसद संजय सिंह ने इसे लेकर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि एक तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन, दूसरी तरफ लोकतंत्र का अपमान, नई संसद बनी तानाशाह का दरबार। संजय सिंह के इस ट्वीट से पहले आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज से भी एक ट्वीट किया गया था। आम आदमी पार्टी ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत का सम्मान और अभिमान सत्ता के पैरों तले कुचला जा रहा है। नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह और पैदल मार्च कर रहे पहलवानों के साथ हुए बर्ताव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से भी एक प्रतिक्रिया आई। अपने ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं कि राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज। राहुल गांधी के इस ट्वीट से पहले कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से भी एक कड़ी टिप्पणी जारी की गई थी। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए फोगाट पहनों की एक तस्वीर शेयर करते हुए तंजपूर्ण तरीके से लोकतंत्र लिखकर पोस्ट किया। दरअसल कांग्रेस ने इसे बीजेपी शासन में लोकतंत्र का हाल बताकर परिभाषित किया। आपको बता दें कि पिछले 23 अप्रैल से धरने पर बैठे पहलवान, बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन आरोपों को लेकर धरना दे रहे हैं। इनकी मांग है कि जब तक बृजभूषण सिंह अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते और जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, वे धरना जारी रखेंगे। गौरतलब है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो FIR दर्ज हैं, जिनमें से एक पॉक्सो एक्ट के तहत है। इनके खिलाफ धरना देते हुए पहलवानों को एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हालांकि अब जंतर मंतर से उनके तंबू उखाड़ दिए गए हैं। ऐसे में आगे उनके धरना जारी रखने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।